हे गाइस, तो फाइनली पीपीटी 2020 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जी हां मेरे भाई, इस लिस्ट में आप लोग अपना अपना नाम देख लीजिए और अपनी रैंक चेक कर लीजिए। अब आप लोग बोलोगे भाई ये रैंक क्या होती है, तो मेरे भाई रैंक में आपको क्लियर हो जाता है कि भाई आपकी कितनी रैंक लगी है, यानी कि आपका नाम कितने नंबर पे है। मान लीजिए आपकी रैंक है 10, यानी कि आपको कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मान लीजिए आपकी रैंक है 200, तो आपको कॉलेज मिलने के कम चांसेस है, क्योंकि जो आपसे ऊपर बंदे हैं उनको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट में आप लोग अपना नाम देख लीजिए और आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों चॉइस फिलिंग की लिस्ट की हम लोग बात करें तो भाई 29 तारीख को कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और उस अलॉटमेंट लेटर में क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको इस कॉलेज में और ये वाली ब्रांच आपको मिली है। जी हाँ मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ 29 तारीख को करीब 3 से 4 बजे के बीच में, या फिर इससे पहले बाद में भी अपडेट आ सकता है, अलॉटमेंट लेटर आ सकता है। तो जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इनरोलमेंट आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको सिंपली उस कॉलेज में जाना होगा और अपना एडमिशन ले लेना होगा। क्या प्रोसेस होगी पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आप ये जो इस लिस्ट को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ DTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करिए और सीधे इस वाले पेज पर आ जाइए। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कॉमन मेरिट लिस्ट, क्लिक हियर। यहां पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा और आपके सामने पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों ये जो 29 अक्टूबर को आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई 29 अक्टूबर को ये आ जाएगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद, तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहां पे जो इस लिस्ट को डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ कि भाई आप अपना नाम इसमें किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कॉमन मेरिट लिस्ट, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MP इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स फर्स्ट राउंड कॉमन मेरिट लिस्ट 2020-2021, डेट 24/10/2020, आज का ये अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप इसमें नाम अपना किस प्रकार फाउंड कर सकते हैं, बिल्कुल अपने मोबाइल फोन से। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नाम वाइज मत जाइए, आप अपना रोल नंबर से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों पहले आप लोग समझ लीजिए, आप लोग के काफ़ी डाउट्स होते हैं कि भाई रैंक क्या होती है। तो रैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। जैसे भाई मान लो किसी की रैंक ज़्यादा है, ज़्यादा ऐसे मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी की रैंक 2000, 3000, 1000, तो उन लोगों को क्या है कि कॉलेज मिलने के कम चांसेस है, क्योंकि भाई इससे पहले जिनकी अच्छी परसेंटेज है पहले उनको कॉलेज मिलेगा और इसी के बाद आप लोग को मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान इस लिस्ट में 60 से 80% वाले सभी का यहाँ पे, मुझे उम्मीद है सभी का यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और यदि नहीं भी आता है एडमिशन अगर कॉलेज में कम होते हैं, तो दोस्तों कॉलेज वाले फिर से एक राउंड चला देंगे सेकंड वाला। और मैं आपको बता दूं कि CLC राउंड की डेट यहाँ पे पोर्टल पे अपडेट हो चुकी है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग डिप्लोमा ना करें। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पे नाम आप किस प्रकार इसमें फाउंड अप कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली ये देखिए यहाँ पे ये पूरी PDF, आपको सिंपली यहाँ पे एक बटन मिल जाता है सर्च वाला, देखिए यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना होगा अपना रोल नंबर। तो मेरे पास यहाँ पे एक रोल नंबर है, मैंने इसको कर दिया कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम भी आ चुका है, ऋषि राज द्विवेदी। जी हाँ मेरे भाई, ऋषि राज द्विवेदी भाई ने यहाँ पे देखिए इनकी रैंक लगी है 54, और इनकी जो परसेंटेज की हम लोग बात करें तो 94.2 यहाँ पे इनकी परसेंटेज दी गई है। दोस्तों आप लोग बोलेंगे भाई कट ऑफ कितना गया, तो भाई इसमें कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं गया, इसमें जो इन्होंने लिस्ट जारी की है कि भाई आपकी रैंक कितनी है, जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी का नाम इस लिस्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ भी नहीं गया है, यहाँ पे जो रैंक जारी की है मेरिट लिस्ट, जिनका नाम मेरिट में सबसे ऊपर होगा उनको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो यही पूरा यहाँ पर रैंक होती है, रैंक का यही मतलब होता है कि भाई जिसकी ज़्यादा रैंक उनको कॉलेज कम मिलने के चांसेस हैं, और जिसकी जो कम रैंक है मतलब जैसे मान ली 10 है 20 है 50 है 100 है, तो पहले उनको मिलेगा, इसके बाद जो 200, 300, 1000, 2000, 6000 वाले जो भी छात्र हैं उनको मिलने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार आप लोग अपना नाम यहाँ पे फाउंड अप कर सकते हैं। करीब इसमें 238 पेजेस हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।